हम लोग इस वक्त है महामाया मंदिर रतनपुर में, और मंदिर परिसर में अभी ठीक बिलासपुर सांसद लखनलाल साहू मंदिर से दर्शन करके निकले हैं। सांसद जी, ये बताइए क्या उद्देश्य था मंदिर आने का और इतनी रात गए आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? मैं विगत 2-3 वर्षों से लगातार सप्तमी की रात माँ महामाया की इस प्रांगण में उपस्थित होकर के श्रद्धालुओं के बीच रहता हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे क्षेत्र में माँ माया की आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनके सानिध्य में हमारा यह क्षेत्र पल्लवित पुष्पित हो, विकसित हो, और उनका आशीर्वाद के साथ पूरे इस क्षेत्र में निवासी जो भाई बहन हैं, नागरिक हैं, उनको निरंतर वृद्धि मिले, उनको शक्ति मिले, उनको आगे बढ़ने की जज्बा मिले। क्या मनोकामना थी महामाया से इस वर्ष, क्या मांगा है? मैंने इस वर्ष ये मांगा है कि हमारा क्षेत्र जो है, आप सबको मालूम है कि क्षेत्र लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, परंतु जो विकास हमको आज मिली है उसमें और वृद्धि हो, हमारे जो यहाँ के निवासी भाई बहनों का जीवन और सुखी हो और समृद्ध हो, उनका जीवन खुशहाल हो, यही मैंने कामना किया है, और मुझे विश्वास है कि महामाया इस कामना की पूर्ति के लिए हम सबको आशीर्वाद देंगे। कई प्रोजेक्ट लंबित हैं इस क्षेत्र के, कई प्रोजेक्ट लंबित हैं, उनको लेकर के क्या योजना है आपकी? हमारे इस बिलासपुर क्षेत्र में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी योजना चल रही है और बहुत सारी योजना लंबित भी है। इसके लिए मेरे तरफ से ये प्रयास होगा कि सब योजना हमारे इस क्षेत्र को उपहार के रूप में मिले, और हमारे इस क्षेत्र के जो निवासी हैं, इस क्षेत्र के मतदाता हैं, इस क्षेत्र के नागरिक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ मिल सके, निरंतर मैं इसके लिए प्रयास करता रहूँगा। नगर जो रतनपुर है, ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, महामाया का यहाँ पर भव्य मंदिर है, और आसपास का जो क्षेत्र है उसका आस्था का केंद्र है। आदिकाल से यहाँ पर हमेशा एक विश्वास के साथ धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति हमेशा एक श्रद्धा का केंद्र रहा है। इस केंद्र को और विकसित करने के लिए जितना ज़्यादा मेरे तरफ से बहुत सारे विकास के छोटे छोटे काम इस क्षेत्र को दिए हैं, पर अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट इस क्षेत्र को दे करके हमारे तरफ से प्रयास होगा कि माँ का जो आशीर्वाद है उसके प्रति हम कुछ करके कृतज्ञता व्यक्त कर सके। यहाँ जो रतनपुर से जो बिलासपुर की सड़क है वो अब छोटी पड़ती है, जिस तरह से भीड़ आती है 4 लेन की, और जो गाड़ियाँ चाहिए 4 लेन के लिए आप लोग आने वाले समय में नेशनल हाईवे के माध्यम से जो रोड बनती है, जो चौड़ीकरण होती है, आपको मालूम है पूर्व में जो अभी जिस समय मेरे ख्याल से जनवरी के आसपास 20,000 करोड़ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए 7 रोडों के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिली है, मेरे ख्याल से एक रोड ये अंबिकापुर जाने वाला इसमें शामिल है। जब उसकी निर्माण हो जाएगी तो जो चौड़ीकरण, जो आज सड़क सकरा पड़ रहा है वो चौड़ीकरण हो जाए, एक रिंग रोड भी बन चुका है भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए। इसके लिए और मेरे द्वारा मैं ये प्रयास करूंगा कि यहाँ की जो सड़क है वो व्यवस्थित हो, चौड़ी हो और सुविधाजनक हो। नवरात्रि के पर्व में और दशहरा, दिवाली है, क्या कहना चाहेंगे जो क्षेत्रवासी? मैं अपने तरफ से नवरात्रि का, दशहरा का और दिवाली की पूर्व संध्या पे, पूर्व आगामी जो आने वाले दिवाली हैं, इन सब का मैं अपने तरफ से बहुत बहुत क्षेत्र के निवासियों को, भाई बहनों को, प्रदेश की निवासियों को, देश की निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं, महामाया से प्रार्थना करता हूं कि हम सबके जीवन में आने वाला समय जो है मंगलमय हो, सुखमय हो। ये थे बिलासपुर के सांसद लखनलाल साहू जी, जिनका कहना है कि क्षेत्रवासियों की मंगल कामना को लेकर आए हैं, और खास करके जो क्षेत्र में जो समस्या है उसको लेकर हमेशा जूझते रहेंगे। साथ ही जो यहाँ महामाया देवी का दर्शन किया है, उन्होंने यही मांगा है कि क्षेत्र के लोग खुशहाल रहें। कैमरामैन जिया खान के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज़ बिलासपुर।